हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा गुप्ता. वेलकम यू ऑल इन योर स्टडी गुरु एंड कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन यू व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड हाउ टू वर्क कीबोर्ड. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट पॉइंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइसेस. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस होती क्या हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनपुट डिवाइसेस. टूडेज प्रेजेंटेशन व्हाट वी विल डिस्कस इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस. फॉर कीबोर्ड यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस ओनली. सो लेट्स स्टार्ट. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस सिंपली द डेट सेंड द डेटा टू द कंप्यूटर एंड अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. First is direct. Direct is simply doesn't need to convert in intermediate code. जिसमें आपको intermediate code में generate या फिर convert करने की requirement नहीं होती है. Like mouse आप directly use कर रहे हैं, आप जिस भी point को hit कर रहे हैं, आप point को click कर रहे हैं, आपका वही action perform हो रहा है. Camera जो भी आप capture कर रहे हैं, आपको तुरंत उस information का जो भी output है वो आपको मिल रहा है. कीबोर्ड आप जो भी प्रेस कर रहे हैं की उसके अकॉर्डिंग आपका जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है. इसी तरह से इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या होता है, विच मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म. आपको पहले मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आपकी आती हैं स्कैनिंग डिवाइसेस सच एज BCR. BCR स्टैंड फॉर बारकोड रीडर. OCR सिंपली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. OMR इज ऑप्टिकल मार्क रीडर. MICR सिंपली मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. एंड MIC इज सिंपल इनडायरेक्ट ट्रांसलेट सम एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इनटू द डेटा. एंड लास्ट वन इज टच स्क्रीन पेन. यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन. इनपुट डिवाइसेस को ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है कीबोर्ड. कीबोर्ड में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में. ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस जो आज हम कवर करने वाले हैं, और आने वाले टाइम में डिजिटाइजर एंड डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस एंड विजन बेस्ड डिवाइसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के. तो सबसे पहले देखते हैं हम पॉइंट एंड ड्रॉइंग डिवाइसेस. तो पॉइंट एंड ड्रॉइंग डिवाइसेस होती क्या हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमें पॉइंटिंग यूज़ क्यों आता है. कि हम कोई भी इनपुट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू हम स्क्रीन पे जो भी हम एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं. जो हमारा पॉइंटर है कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा है, उसको स्क्रीन पर पॉइंट करना और उसको कंट्रोल करना, मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये आपका जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस ही यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू हम उनको एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. तो पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से स्क्रीन पर नज़र आने वाले पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है या फिर हम उस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं. अब पॉइंटर क्या होता है. पॉइंटर सिंपली एक स्मॉल सिंबल है यूज फॉर द सेलेक्शन, यूज इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सिंपली तो विंडोज़ में ये आपको देखने को मिलता है, GUI में आपको देखने को मिलता है. सिंपल हम सब लोग कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो पॉइंटर डिवाइसेस हैं ये. माउस हम सभी यूज़ करते हैं तो ये वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है. ए पॉइंटिंग डिवाइसेस इज़ एन इनपुट इंटरफेस दैट अलाउ ए यूज़र टू इंटरेक्ट स्पेशल लाइक कंटिन्यूस हम यूज़ कर सकते हैं एंड मल्टी डायमेंशनल. 3D और 2D फॉर्म में हम इनको दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं. 3D मॉडल्स को हम देख सकते हैं, 3D और 2D मॉडल्स को भी हम देख सकते हैं. मूवमेंट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेज आर इको ऑफ ऑन द स्क्रीन बाई द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर एंड अदर विजुअल चेंजेज. जैसा आप जैसा कर्सर को आप मूवमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको विजिबल होंगे. सबसे पहले देखते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेज होती कौन कौन सी हैं. तो फॉलोइंग आर द पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइसेज. फर्स्ट इज माउस, की ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पेन, टच स्क्रीन एंड टच पैड. यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हमारे सामने हैं. इनमें से आपका ये जो सबसे पहला रो है, फर्स्ट आपके माउस हैं, ये आपका ट्रैक बॉल है, ये ट्रैक बॉल है, ये आपका जॉयस्टिक है, ये माउस है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक पैन एंड स्टाइलस हैं, ये आपका टच स्क्रीन है, ये आपका टच पैड है. तो सिंपली यहाँ पर बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ आ रहे हैं. अब इन डिवाइसेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में.
तो सबसे पहला हमारा डिटेल है माउस का। तो माउस होता क्या है? माउस सिंपली क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और ये पॉइंटिंग और कंट्रोल जो पॉइंटर है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ में होता है सिंपली। तो ये आपका स्मॉल एंड लाइट वेट होता है, इसमें हम वायर्ड माउस भी यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बटन्स हैं जिनका आपका यूज़ होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड व्हील। तो सबसे पहला पॉइंट है, द सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज़ द माउस फॉर GUI बेस्ड सिस्टम सच एज विंडोज। विंडोज में आपका ये यूज़ होता है। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग ए स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल एंड इट्स बेस विच सेंस द 2D मूवमेंट्स ऑफ द माउस एंड सेंड द करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू द CPU वैन द माउस बटन आर प्रेस्ड। आप जब भी माउस बटन प्रेस करेंगे तो सिग्नल्स आपके उस हिसाब से कंप्यूटर स्क्रीन CPU को ट्रांसफ़र होंगे। जब आप ये बटन आप यूज़ करते हैं, सिंपल यहाँ पर बटन्स हैं, तो इस बटन को आप यूज़ करेंगे, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, तो उस हिसाब से आपके एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। सेकेंड थर्ड है आपका, जनरली इट हैज़ 2 बटन्स, देयर इज़ लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एंड व्हील इज़ प्रेजेंटेड बिटवीन द बटन्स। आप यहाँ पर जो व्हील है आपका वो सेंटर में आपका होगा। नेक्स्ट है आपका, ए माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बट इट कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। यहाँ पर आपका जो माउस है वो आपके पॉइंटिंग जो पॉइंटर है आपका उसको कंट्रोल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आप कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते एक माउस के थ्रू। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस में आपके 3 कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया गया है यहाँ पर, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायर्ड एंड कोर्डलेस माउस। तो सिंपली मैकेनिकल माउस में आप देखेंगे कि ए हार्ड रबर बॉल दैट रोल्स एज अ माउस इज मूव्ड। सेंसर्स इनसाइड द माउस बॉडी डिटेक्ट द मूवमेंट एंड ट्रांसलेट इट इनटू द इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स। जब आप इस कर्सर को पर्टिकुलर आप इस मूवमेंट को यूज़ करेंगे तो ये जो बॉल होगा उसको प्लेन जब फ्लैट सरफेस पर चलाया जाएगा तो वो उसका लेफ्ट राइट मूवमेंट, टॉप बॉटम मूवमेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, आपकी बॉल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस हैज़ नो मैकेनिकल पार्ट लाइक अ बॉल एंड व्हील इनसाइड इट, हैज़ ए बिल्ट इन द फोटो डिटेक्टर। व्हेन ए यूजर मूव्स टू द माउस ऑन द सरफेस द फोटोज डिटेक्टर सेंसेज ईच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ चेंजेस टू द करंट पोजिशन ऑफ ग्राफिक्स कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो मूवमेंट कंट्रोल बाय ओनली लाइट रिफ्लेक्शन। तो ये जो माउस होंगे वो आपके ओनली राइट लेफ्ट रिफ्लेक्शन और के थ्रू ही आपके कंट्रोल करेंगे पॉइंटर को। नेक्स्ट है आपका वायर्ड एंड वायरलेस माउस। ए वायर्ड माउस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद अ स्मॉल कोर्ड वायर बट ए कोर्डलेस माउस फ्रीज यूज फ्रॉम द कोर्ड प्रॉब्लम्स एंड इट कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द रेडियो रादर देन एन इंफ्रारेड सिग्नल्स। सो सिंपली यहाँ पर आपको जो दो माउस हैं, ये वायर्ड है आपका, ये वायरलेस माउस है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू द मैकेनिकल माउस। दिस इज बॉल विच हाफ इंसर्टेड इंटू एंड बाय मूविंग द फिंगर्स एंड ऑन द वॉल एंड द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जो बॉल हैं ये आपको बॉल जैसा सिस्टम्स है। आप माउस जब देखते हैं तो माउस में जब आपने इस माउस को देखा, इस माउस के अंदर आपका जो बॉल था सिंपली ये नीचे की तरफ था, फ्लैट सरफेस को टच कर रहा था, लेकिन अगर इसी को मैं फिंगर से अगर रोटेट करूँ इस अकॉर्डिंग, आप उल्टा करके आप जब रखेंगे तो ये जस्ट ट्रैक बॉल का जो वर्क है वो आपका यहाँ से शुरू होता है। तो ट्रैक बॉल आप जस्ट मूव करिए इसको एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट द ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी एंड वन डजेंट नीड टू मूव इट ऑन द माउस पैड। आपको माउस पैड पे इसको मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम वर्क लाइक अ माउस बट वी कांट बी यूज ऑन फ्लैट सरफेस एंड टच पैड।
नेक्स्ट इज़ इन ऑर्डर टू नेविगेट विद द पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू आपको नेविगेट करने की ऑर्डर नेविगेट आप कर सकते हैं फिंगर के थ्रू, एंड द यूज़र मस्ट मूव ए वॉल सिचुएटेड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द डिवाइस। जो वॉल होगी वो आपकी बटन जो होगी आपकी सिमिलर टू द माउस बटन्स, एंड वॉल ऑन द टॉप एंड बॉडी डज नॉट मूव। जो बॉडी होगी वो डज नॉट मूव, बट माउस के लिए मोर स्पेस चाहिए और इसके लिए आपको मोर स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि इसकी बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ऑफन यूज विद द लैपटॉप, ये मोस्टली ये लैपटॉप में भी यूज़ होता है, लैपटॉप के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। ए ट्रैक बॉल कम्स इन अ वेरियस शेप लाइक अ वॉल, अ बटन और अ स्क्वायर। ए ट्रैक बॉल इज़ परफॉर्म द डिवाइस फॉर द कैड एंड कैम। सो वॉट इज़ कैड एंड कैम? कैड इज सिंपली कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस, ये वहाँ पर आपका यूज होता है। एंड बिकॉज ए डिजाइनर कैन मूव द ग्राफिक्स कर्सर विद द हैंड मूवमेंट्स ओनली विदाउट एनी मूवमेंट इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। सो सिंपली वॉट इज जॉयस्टिक? जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटर डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एंड विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर एंड स्क्रीन ए ट्रैक बॉल एंड माउस। It is a stick having the peripheral wall and it is both the lower and upper ends. The lower spherical walls move in a socket. ये आपका socket के अंदर आपका movement होगा and it can move in all four directions. In all four directions. And usually the joystick have buttons also called trigger. And it is mainly used to computer aided designing CAD and playing computer games and flight simulators, training simulators and remote control of industrial robots. ये mainly जो navigate करने के लिए जो devices use होती हैं वो आपकी joysticks हैं। Next is touchpad. So what is touchpad? Touchpad is this is simply a small sensitive pad and used to portable computers like laptops. Touch and sensitive display होता है इसके अंदर, simply आप flat surface है आपका, जो flat surface है उसको हम touch कर सकते हैं, alternate to the mouse, mouse को alternate है ये, and used with the laptop, and it is also called the trackpad भी इसको कहा जाता है, and touchpad is used to pointing device and the pointing pointer is moved on the screen by touching the touchpad and with the finger and tapping on the touch pad will give the same result as when using the mouse buttons. So simply the touchpad is particularly useful to person with a disability and whom can be limitation in the moving there. Next, touchscreen. Touchscreen is the most simple and easiest to use of all the input devices, enabling user to use a computer without any format training. आप simply देखते हैं कि हम कोई भी mobile use करते हैं touch screen का, तो हमें कोई एक प्री ट्रेनिंग की या फिर किसी भी format की requirement नहीं होती, हम जैसे जैसे touch करते जाते हैं हमारा जो task है वो complete होता जाता है। उसी तरह से हम किसी भी स्क्रीन पे अपने टच से, फिंगर टच स्क्रीन से हम उस पे अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं और कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टच। इट enables the user to choose from the available options by simply touching with finger and desired icon or menu. किसी भी आइकन पर, किसी भी जो आपके आइकन्स हैं, मेन्यू है, इस पे आप अपने हिसाब से अपनी फिंगर को टेप करके आप कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आइटम डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड कंप्यूटर्स विद टच स्क्रीन फैसिलिटी एंड यूज द ऑप्टिकल सेंसर विच कैन डिटेक्ट द टच ऑफ ए फिंगर ऑन द स्क्रीन। इंफॉर्मेशन कियोस्क ऑफन यूज स्क्रीन इंफॉर्मेशन कियोस्क आर ऑफन लोकेटेड एट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बैंक ATMs। ये यहाँ पर आपके सिंपली यूज़ होता है, आप डेली लाइफ में आप देखते हैं ATM यूज़ करते हैं तो टच स्क्रीन वहाँ पर भी आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेन। इलेक्ट्रॉनिक पेन में आपका सबसे पहले है आपका लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू द पेन एंड इट इज़ यूज टू सेलेक्ट डिस्प्ले मेन्यू आइटम ऑफ ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। आप किसी भी लाइट पेन से अपनी स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब एंड व्हेन द टिप ऑफ द लाइट पेन इज मूव्ड ओवर द मॉनिटर स्क्रीन एंड पेन बटन इज प्रेस्ड एंड इट
फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU. नेक्स्ट इज राइटिंग पेन विद पैड कम्स विद अ स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग पैड एंड दिस इनपुट डिवाइस हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ऑफन एनेबल्स इजी इनपुट टू टेक्स्ट एंड फ्री हैंड ड्राइंग इन टू द कंप्यूटर फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग. तो आप इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक पेंस को और स्टाइलस को यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हैं या फ्री हैंड आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई भी आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो आप उसको फ्री हैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं. जब आप किसी भी मॉनिटर पर आप फ्री हैंड उसको स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक पेन. सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू कंटिन्यू द क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस पार्ट 3 दैट इज डिजिटाइजर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.